थे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू गुरुवार को अपने परिवार के साथ मंदराजी फिल्म देखने के लिए पहुंचे। फिल्म देखने के बाद गृह मंत्री साहू और उनके परिवार वालों की आंखें भरी हुई थीं। सभी दाऊ मंदराजी को याद करके गमगीन थे। फिल्म छत्तीसगढ़ी नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के जीवन पर आधारित है। यह छत्तीसगढ़ी में बनी पहली बायोपिक फिल्म है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर समर्पित गृह मंत्री साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी मंदराजी जैसे माटी पुत्रों का गढ़ है और मंदराजी में काम करने वाले हर एक कलाकार अपने अभियान को पर्दे पर जिया है। साथ ही जिस तरीके से अभियान को जिया और मेरे यह भी प्रयास रहेगा कि मरणोपरांत दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को भारत सरकार की ओर से पद्म सम्मान मिल सके। गृह मंत्री से खास बातचीत के साथ संवाददाता सत्या राजपूत ने जीवन पर बनी फिल्म और उनके बायोपिक फिल्म मंदराजी रिलीज हो गई है। इस मूवी को देखने के लिए आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी मूवी देख कर निकल रहे हैं। उनसे जानते हैं कि मूवी उनको कैसे लगी। मंत्री जी अब जानना चाहेंगे कि मूवी कैसी और आपको कैसे लगी। मूवी बहुत अच्छी बनी है। कलाकारों ने अंतर मन से मेहनत किया है, जिया है मंदराजी को। बनाने वालों को भी बधाई, कलाकारों को भी बधाई। देखने के बाद एक बात समझ में आई कि कलाकारों की वास्तविक स्थिति सरकार को देखनी चाहिए और उस क्षेत्र में शासन का प्रयास होना चाहिए। जो सारी सामाजिक बुराइयों को सामने करते हैं, दूर करने का अपने माध्यम से प्रयास करते हैं, सरकार के लिए एक बड़ा सोचने का विषय है। निश्चित तौर पर इसको बनाकर और काम करके बहुत एक सराहनीय। ये तारीफ तो सभी कर रहे हैं, इसको जो देख रहे हैं इसके अभिनय का, मंदराजी के काम का, लेकिन सरकार इसके लिए क्या पहल करेगी? कोई सम्मान इनके लिए रखा जाएगा? क्योंकि ये जो आज हम गम्मत के रूप में देख रहे हैं नाचा पाटी जी, इनको बुलंदी तक पहुंचाने का काम किया है। सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, आश्वासन घोषणा नहीं, जो होगा जरूर चर्चा करूंगा, बेहतर जितना हो सकेगा जरूर किया जाएगा। तो अभी आपने सुना गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को, जिन्होंने मंदराजी फिल्म की जबरदस्त तारीफ करते हुए कहा है कि लोगों को ये फिल्म देखना चाहिए। जो कला और साहित्य संस्कृति के प्रेमी हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त मूवी है और वो जान सकते हैं कि मंदराजी कौन है और वो कला संस्कृति को और कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने में कामयाब रहे। कैमरामैन अखिलेश के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।